नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर औरैया से है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह 27 जनवरी को अनंत राम टोल टैक्स औरैया से लखनऊ चिंतन शिविर में जा रहे थे, तभी टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ अभद्रता की और राष्ट्रीय सचिव को रोका, जिसके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष औरैया व मंडल अध्यक्ष अनिल यादव ने धरना प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी अखिलेश कुमार को किसानों के साथ हुई अभद्रता के लिए ज्ञापन दिया। आगे से इस तरह की अभद्रता ना हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। टोल कर्मियों के इस तरह से किए गए व्यवहार से किसान नेताओं में नाराजगी दिखी। इस मौके पर चौधरी सुरेंद्र सिंह प्रदेश सलाहकार, महिला किसान यूनियन के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष औरैया आदि तमाम लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट अखिलेश शाह। सभी कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, औरैया हमारे पदाधिकारी में राष्ट्रीय शर्मा यादव जी। हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, क्योंकि हमारी जमीन पर ये एक्सप्रेस वे टोल सारी हमारी जमीन पर बने हुए हैं, और हम इस देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, जिसको इस देश के सरमाएदार से लेकिन नेता प्रशासन अधिकारी सारे देश का मान पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। हमारी ये मांग थी कि टोलों पर हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, जिसका मैसेज वहाँ के जिलाध्यक्ष द्वारा कर दिया जाएगा और वहाँ गाड़ी हमारी निकाल दी जाएगी। किसी मीटिंग वगैरह में हम जाते हैं, धरना प्रदर्शन में, क्योंकि टोल आंदोलन जो करता है वो किसानों के भले के लिए और देश के भले के लिए है। ऐसे अनंतराम टोल पर हमारे कार्यकर्ता अधिकारियों की कमी जो होती थी और नहीं थे, इसलिए शांत धरने के माध्यम से हमने ये टोल को समझा कि अगर कोई हमारा अधिकारी निकल तो जिलाध्यक्ष औरैया और जिलाध्यक्ष इटावा मैसेज माध्यम से इस अनंतराम पर निकाला जाए, ताकि देश हित में भारतीय किसान राजनीति के कार्यकर्ता काम कर सके। सरकार के जगह किसान लेते हैं और किसान आ रहे हैं। हम सरकार रुपया में काम करते हैं। हमारा आईजीएम साहब, महोदय आए, इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे, उन्होंने हमारे को माना कि पर दोनों जिला अध्यक्षों पर दिए गए हैं और जिला अध्यक्ष में से तो निकलेंगे। इतनी सी हमारी समस्या थी और वो समस्या का निदान हो गया। ने पे आए थे, आपकी जो प्रमुख मांगे थी क्या उनको माना गया है? और देखिए, गाँव तो अनंत राम प्लाजा पर हम लोग इसलिए बैठे थे कि हमारे पदाधिकारी 27 जनवरी को यहाँ से प्रयागराज चिंतन शिविर लगा हुआ था, वहाँ जा रहे थे, उनको रोका गया। आप इनके साथ बैठ जाओगे तो फिर वो भी निकले, उन्हें लगेगा फिर उनके साथ कुछ अभद्रताएं हुई, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर सभी किसान पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और अपना एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जो उन्होंने जो टोल के मैनेजर साहब हैं वो आए, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांगे हैं वो हम लोग मांगेंगे। अगर वो हमारी मांगे मानते रहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मांगेंगे तो फिर आगे हम लोग फिर बैठ जाएंगे। अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे थे अभी आप? जी, अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे थे मैं। अब धरना समाप्त हो गया है, अब जब उन्होंने मांग ली, आश्वासन दे दिया, तो इसलिए हम धरना समाप्त कर रहे हैं। अगर आगे से गड़बड़ करेंगे तो हम फिर बैठ जाएंगे। भाई, हम किसान हैं, हम अपने किसानों के हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे।